एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक की है आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ियाँ, कुर्ता सेट एंड ज्वेलरी। एंड आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा, क्योंकि सभी जो आउटफिट है आपकी चॉइस के हैं, इनके कोड आपने दिए थे। एंड जब मैंने इन्हें देखा, रियली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड आज का कलेक्शन मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आज के जो आउटफिट्स हैं ना, सभी रीसेलिंग में है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर क्लिप दे दूंगी, वहाँ पर जाइए एंड मुझे फॉलो कीजिए। एंड रीसेलिंग प्राइस एंड मीशो प्राइस दोनों मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी, तो आप ध्यान रखना। जो भी आपको लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर दो एंड वहाँ से आप मुझे परचेस कर सकते हो। लेकिन थोड़ा जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है, बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, फिर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं एंड मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी। जिन्होंने मीशो डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से कर लो, क्योंकि मीशो है इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप। एंड मीशो का डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 rupees का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो मीशो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये है माय फेवरेट, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड इसका कोड मे भी शायद मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिला था एंड कॉमेंट बॉक्स में भी मिला था। तो जब मैंने इसे देखा, रियली यार काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी बताती हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड रियली इस तरीके की साड़ी है ना, रेयर ही मिलती है पहली बात तो, अब मिलती है ना बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। लुक एट दिस, ये पूरी साड़ी है ना ऑरेंज सिल्क फैब्रिक में है एंड व्हाइट कलर में मिलेगी। प्लस इस पे जो प्रिंट किया हुआ है फ्लोरल प्रिंट, ये 3D प्रिंट है एंड रियली बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। आप देखो कितनी प्यारी साड़ी है, प्लस पहनने के बाद लाइट वेट है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। एंड ये ना इन्होंने इसका आंचल दिया है एंड लुक एट दिस, इस तरीके की आपको ये पूरी साड़ी मिलेगी, फुल लुक आपको सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। एंड रीसेलिंग प्राइस और मीशो प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी सर। एक तो आपको आंचल में चारों तरफ देखने को मिल जाएगा, प्लस पूरी साड़ी में नीचे की साइड इन्होंने दिया हुआ है, तो आप फुल लुक एक बार साइड में देख लेना। एंड पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, लुक एट दिस। एंड पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा, और ऐसी साड़ी है कि आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये व्हाइट के ऊपर जो 3D प्रिंट किया हुआ है, बिल्कुल भी इस साड़ी को मिस मत करना, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 5.5 मीटर की पूरी साड़ी है, लाइट वेट है, तो उस अकॉर्डिंग परफेक्ट लगी मुझे। और सच में यार बहुत अच्छी साड़ी है, प्लस इसका ब्लाउज भी है ना, इन्होंने बहुत प्यारा ब्लाउज दिया है। इस तरीके का आपको एक ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। एंड ये पूरी साड़ी है ना, ये वाली साड़ी रैप लिखा है, आपको साइड में इमेज देखना, बहुत प्यारी साड़ी लग रही है ये वाली। एंड लुक एट दिस, इस तरीके का पूरा फ्लोरल प्रिंट में ही ब्लाउज देखने को मिलेगा। जब आप इसे स्टिच कराओगे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और ब्लाउज का फैब्रिक है ना कुछ कुछ बैंगलोरी सिल्क टाइप में है, तो लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है। प्लस 90 cm से भी ज़्यादा आपको ब्लाउज मिल रहा है, तो अगर आप XL XXL साइज में भी है तो भी आपके आराम से आ जाएगा। ये है जो फर्स्ट साड़ी मैंने आपकी रिक्वेस्ट में पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक की है वो भी है एक साड़ी, एंड सेम सेलर से ही मैंने ये पिक किया, क्योंकि इस सेलर के ना मुझे एक तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एंड ये एक बेल्ट स्टाइल साड़ी है, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको है ना रफल डिज़ाइन तो मिलेगा ही, प्लस साथ में बैग भी देखने को मिलेगी, और आजकल जो बेल्ट स्टाइल साड़ियाँ हैं ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हैं, तो मैंने सोचा पिक करती हूँ। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड ये पूरी साड़ी है ना, ये वाली भी फ्लोरल प्रिंट में है, जो कि समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है एंड वाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। जॉर्जेट की साड़ी है, प्लेन साड़ी है, और इस पे जो है रफल्स लगाए हुए हैं, बड़े रफल डिज़ाइन में है। पूरे 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी, एंड लुकिंग वाइज बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि इन्होंने ना इसका ब्लाउज और जो बैग दिए ना वो बहुत अमेजिंग है। तो मुझे इस तरीके की वाली साड़ी है, एंड ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी एक डिज़ाइनर साड़ी के अकॉर्डिंग। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग भी यार वर्थ इट है, क्योंकि आप और वेबसाइट पर जब इन साड़ी को चेकआउट करोगे ना आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। लेकिन अब भी ये साड़ियाँ ट्रेंडी भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही कम प्राइस में है, लेकिन वर्थ इट है, तो उस अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी सही है। तो इस तरीके की तो इसमें आई है साड़ी। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज, जो कि इस साड़ी के लुक को इन्हेंस कर रहा है, वो है इसका ब्लाउज एंड बेल्ट। एंड लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा है। एंड
रियली बहुत सुंदर लगेगा जब आप इसे स्टिच कराओगी। एंड ये 90 सेंटीमीटर के आसपास आपको मिलेगा। सैटिन का फैब्रिक है तो शाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो पहनने के बाद लुक भी काफी अच्छा आ जाएगा। 90 सेंटीमीटर है तो आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज में इजीली आ जाएगा। तो इसमें मिला है ये वाला ब्लाउज एंड बैग, इन्होंने ना इसमें बहुत ही प्यारी सी बैग दी है। तो आप ध्यान रखना सभी की मीशो प्राइस, रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। और यार मुझे पता नहीं है आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो रीसेलिंग को लेके, पता है आप मेरी फुल वीडियो नहीं देखते हो इसलिए, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर है ना वो बिल्कुल इजीली मुझसे परचेज कर रहे हैं। तो यार रीसेलिंग का मतलब बस इतना सा है कि मैं उससे मीशो से कम प्राइस पे आपको सेल कर रही हूँ। और अगर आपको लेना है तो आप वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं एंड वहाँ से आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। बस इतने से स्टेप है और बहुत सारे लोगों के बस यही कॉमेंट्स मैं डेली देखती हूँ कि रीसेलिंग का मतलब क्या है या फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। तो यार बिल्कुल वीडियो बनाने लायक कुछ अलग से है ही नहीं, बस छोटे से स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं और सब लोग कर भी रहे हैं। जो लोग मेरी फुल वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही प्रीटी है। इस तरीके की आपको ये हैवी बैग देखने को मिल जाएगी, पूरे पे एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है एंड साइज भी आप देख सकते हो ना काफी अच्छा है, काफी लंबी है। तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी होना तो भी आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी ये। बस आपको इसे पीछे से पिन अप करना है एंड पूरी हैवी बैग है, ब्रॉड भी है एंड पूरे पे जरी का काम किया गया है। और साड़ी बिल्कुल सिंपल है तो ये वाली बैग लगाने के बाद बहुत प्यारा लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है। और हाँ, नेक्स्ट आउटफिट दिखाने से पहले आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये है एक वन पीस ड्रेस एंड फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यार आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जाके देखो, यहाँ पे मैं थंबनेल दे दूंगी। वो मेरा फर्स्ट वेस्टर्न वेयर हॉल था मीशो का एंड आपकी डिमांड पे ही मैं वो लेके आई थी। एंड अगर आप वेस्टर्न वेयर हॉल नहीं देखते तो फिर मैं यार लेके क्यों आऊँगी। अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही प्यारे प्यारे जो है जीन्स, हाई वेस्टेड जीन्स का रिव्यू शेयर किया था एंड मैंने यार बहुत मेहनत की है उस हॉल के लिए, बहुत ज़्यादा सर्च किया है तब मैं आपके लिए वो हॉल लेके आई। तो प्लीज़ आप जाके देखिए, यहाँ पे थंबनेल दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो मिस मत करो उस हॉल को, बहुत ही अफोर्डेबल हॉल है वो वाला। तो एक बार जाके जरूर से चेकअप कर लो। अब जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर करूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी शिफॉन की लहरिया साड़ी। एंड लहरिया का सीज़न आ गया है तो मैंने सोचा आपके साथ अब लहरिया शेयर करती हूँ। लेकिन शिफॉन की साड़ियाँ मुझे पसंद तो है और ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये डिफेक्ट में निकल आई है, छोटा सा इसमें एक होल है, पर मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर रिटर्न करा दूंगी। तो ये वाली साड़ी है जो रीसेलिंग में नहीं है और शिफॉन का फैब्रिक है, तो आप जब भी इसे लेना मीशो से भी तो एक बार पूरा देख के अच्छे से लेना, क्योंकि शिफॉन का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है और फटाफट से उसमें जो है कुछ भी छेद हो जाता है या फिर ऐसे छोटा सा खिंच जाती है पूरी साड़ी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप जब भी मीशो से लो ना एक बार पूरी साड़ी अच्छे से देख लेना, देन ही उसे रखना। तब मैंने इसे भी है ना बहुत अच्छे से गौर से देखा ना, तब मुझे दिखा कि यार ये डिफेक्ट में है, पर मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। मे बी इसमें कलर ऑप्शन और फोर अवेलेबल है मीशो पे, तो आप एक बार देख लेना। पर मुझे ये जो बेबी पिंक और ये जो डार्क पिंक का कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि ये शिफॉन का फैब्रिक है एंड बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा जब आप साड़ी पहनोगे। और इस तरीके की साड़ी को जब पहनते हो ना लुकिंग वाइज बहुत अच्छी लगती है, प्लस शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। एंड कुछ इस तरीके की आपको साड़ी मिल जाएगी, पूरे पे आपको गोटे की डिटेलिंग भी देखने को मिल जाएगी। प्लेन साड़ी है, गोटा लगाया हुआ है, लेकिन यार पहनने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा जो आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। ये वाली साड़ी है जो रीसेलिंग में नहीं है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, प्लस लहरिया का सीजन आ गया तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। पूरी 5.5 मीटर की आपको शिफॉन की साड़ी देखने को मिल जाएगा। ब्लाउज कुछ इस तरीके का बिल्कुल प्लेन है ना शिफॉन में देखने को मिलेगा, डार्क पिंक कलर का ब्लाउज है मजेंटा कलर में एंड आप इसे कैसे भी स्टिच करवा सकते हो, डिजाइन वगैरह अपने अकॉर्डिंग डलवा लेना। 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है तो आपकी एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा एंड इस ब्लाउज को आप काफी अच्छा हैवी करवा सकते हो, क्योंकि साड़ी है ना बिल्कुल लाइट भी है प्लस बस गोटे की डिटेलिंग की हुई है, तो ब्लाउज आप हैवी स्टिच करा लेना तो लुक काफी अच्छा हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना ये है एक कुर्ता सेट एंड यार बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में है
है एंड लिखा है एंड ये है सुरभि चंदना ने इसे पहना हुआ है। जब आप पिक देखोगे बहुत प्यारा लग रहा है प्लस स्टाइलिश है। तो यार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ये पिक कर लिया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है ये वाला। एंड लुक एट दिस, इस तरीके की आपको इसमें कुर्ती देखने को मिल जाएगी। ब्लैक कुर्ती है, स्लीवलेस है, बिल्कुल सिंपल है। बस यहाँ पे आप देखोगे ना ये थ्रेड्स लगाए हुए हैं, मे बी आपको ना पास से क्लियर हो रहे होंगे ये थ्रेड्स। तो इस तरीके के इसमें थ्रेड्स लगाए हुए हैं, प्लस नीचे का जो बिल्कुल पार्ट है ना वो इन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है। कोई भी इसमें इनर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस यहाँ तक आपको इनर देखने को मिलेगा, बाकी पूरा नीचे इन्होंने ट्रांसपेरेंट है। जॉर्जेट फैब्रिक है और आप लेंथ वगैरह आप साइड में देख लेना। बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट लगा मुझे एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के ले सकते हो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है प्लस स्टाइलिश है एंड यार आप इसे कैरी कर सकते हो सिल्वर ज्वेलरी वगैरह के साथ, तो काफी हैवी लुक भी हो जाएगा। अगर आप पहनना चाहते हो ना किसी पार्टी फंक्शन में तो भी उस तरीके से इसे स्टाइल कर सकते हो। बहुत तरीके से इस कुर्ते सेट को स्टाइल किया जा सकता है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसका जो प्लाजो है ना वो बहुत प्यारा है, ये आपको रेयन में देखने को मिलेगा। प्लस प्लाजो है ना जो व्हाइट एंड ग्रे कलर का है और लुकिंग वाइज आप देख सकते हो कितना परफेक्ट है। इस तरीके का आपको प्रिंटेड प्लाजो देखने को मिल जाएगा। फुल लुक आप साइड में देख लेना, इलास्टिक वाला प्लाजो है। एंड यार इस वाले सूट को मिस मत करना क्योंकि इतनी कम प्राइस में मे बी 500 के आसपास ये आपको मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मिस मत करना इस वाले सूट को। स्टॉक हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा, तो बिल्कुल मिस मत करना। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। एंड इसकी भी जो रीसेलिंग प्राइस है मीशो प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है एक बहुत ही प्यारी सी चैन एंड चैन मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है, इस तरीके की पैकेजिंग में मिली थी एंड ये एक बटरफ्लाई चैन है। लुक एट दिस, बहुत अच्छी लग रही है इसमें। ये आपको गोल्ड कलर में चैन देखने को मिलेगी, गोल्ड में एंड काफी ज्यादा पतली सी है, मतलब एक ना वेस्टर्न वेयर के ऊपर पहनने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप टॉप वगैरह के साथ या फिर इस तरीके की ड्रेसेस के साथ स्टाइल करना चाहते हो काफी अच्छी है। एंड कुछ इस तरीके का इसमें जो है बटरफ्लाई दी हुई है, यहाँ पे बटरफ्लाई में ना स्टोन लगाए हुए हैं। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप एक बार ना क्लोजअप ना साइड में मैं आपको दे दूंगी तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके की है ये चैन। एंड लुकिंग वाइज बहुत ज्यादा क्यूट भी है और इसमें मुझे कलर ना ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था जो मैंने पर्पल कलर लिया है। कलर्स इसमें बहुत सारे अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इस ज्यादा क्यूट है, काफी ज्यादा स्टाइलिश भी है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड आज मैं जितनी भी साड़ियां मैं आपको पहन के बता रही हूँ सभी में जो भी ब्लाउज मैं कैरी करूंगी सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ये था आज कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड मैंने बहुत सारी साड़ियां ऑर्डर की हुई है, बहुत सारे आउटफिट्स, गाउन हो गए, साड़ियां, लहंगे, जितने भी आप लोगों ने मुझे कोड दिए थे ना जो भी मुझे पसंद आए मैंने सबको ऑर्डर किया हुआ है। एंड आगे आपको बहुत सारे मीशो हॉल देखने को मिलने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज मैं नहीं चाहती आपसे मीशो हॉल मिस हो जाए। एंड मीशो से और कुछ देखना चाहते हो कॉमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।